हेलो फ्रेंड्स, वेदन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी रेलवे सीरीज़, मतलब ग्रुप डी, जिस पे हमने ऑलरेडी भी इससे ऊपर वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ टारगेट 15 डेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग, इनके जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स का हम रेफरेंस लेंगे तो उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं। तो आज हम जो टारगेट 15 है, इससे पहले ग्रुप डी का बना चुके हैं, लेकिन ये टारगेट 15 में मैं आपका कवर करूँगा पूरा का पूरा। ये जो 15 डेज टारगेट है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड साइंस। इसमें हम कवर करेंगे अपने अन्य टॉपिक, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ जनरल अवेयरनेस भी, लेकिन हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा मैथ, साइंस और आपका रीजनिंग पे। क्यों? क्योंकि ये 80 मार्क्स कंटेन करता है। बाकी करंट अफेयर गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगा जितना आप खुद से भी अपडेट कर सको, क्योंकि अगर हमने ALP देखा है तो ALP में अगर आप देखो तो बहुत पुराने क्वेश्चन भी करंट अफेयर में पूछे गए, मतलब एक एक साल पुराने। तो करंट अफेयर तो ऐसा है कि वो आप जितना अपडेट कर पाओ उतना बेहतर है, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे कि आप तक अपना बेस्ट दे सके। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले जितने भी ग्रुप डी को भरने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे से एग्जाम दें और सभी को सक्सेस मिले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जो है मैथ्स से। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीदता है, मतलब 10 रुपए में कितनी, 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीदता है और 11 रुपए में 10 पेंसिल बेचता है। मतलब क्या हो रहा है, 10 रुपए में वो 11 खरीद रहा है और 11 रुपए में क्या कर रहा है, 10 बेच रहा है। तो यह बताइए कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर बहुत सिंपल कंसेप्ट है आपका, जो पूछा गया है क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे जो आपका CP है, ठीक है, और SP है। तो यहाँ पर जो CP के लिए आपकी क्वांटिटी है, प्राइस तो आपका रहेगा ही, जो रुपीज में मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये देखिए सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बिल्कुल क्वांटिटी है आपकी यहाँ पर 11 और पैसे आप खर्च कर रहे हो 10 रुपये। वही यहाँ पर आपकी क्वांटिटी है 10 और पैसे आप खर्च कर रहे हो 11 रुपये। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैंने यहाँ लिखा। लेकिन क्या हम इसमें डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकते हैं, भाई प्राइस तो ये रहा। गलती हम क्या कर देते हैं, हमें ये तो पता है कि CP के रिस्पेक्ट में निकलेगा आपका प्रॉफिट, भाई कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलेगा आपका प्रॉफिट कि 1 रुपए ज्यादा है। अब 10 के हिसाब से 1 रुपए कितना होता है, 10%, तो आप 10% बोल रहे थे, ये गलत, ऐसा नहीं होगा। अब हम बताएंगे इसमें क्या करेंगे। पहली बात तो जब भी आपको कंपैरिजन करना प्रॉफिट लॉस का, क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, सेम। देखिए ऐसा क्यों होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। क्या आप कभी ऐसा करते हो, आप मार्केट जा रहे हो, आप 1 kg शक्कर का मान के चलो सेलिंग प्राइस को क्या 2 kg शक्कर के क्रय मूल्य से कंपेयर करोगे? नहीं ना, क्वांटिटी तो सेम होगी दोनों जगह। अगर 1 kg शक्कर है तो उसका जो CP होगा उसी के हिसाब से आप उसका SP भी चेक करोगे। तो ऐसे ही बात यहां पर आती है कि यहां पर क्वांटिटी 11 है, यहां पर 10, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेबल करना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, आप तो डायरेक्ट आंसर निकालोगे अब से, बस कुछ मत किया करो ऐसे क्वेश्चन में। मतलब क्या होगा, जो CP की क्वांटिटी है वो किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो आपके सेलिंग प्राइस की प्राइसिंग है, मतलब 11 रुपए, इसमें क्वांटिटी किसकी, CP की। जो SP की क्वांटिटी है वो सेलिंग, जो आपका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट, 11 का 10 में करो कितना आएगा यहाँ पर, तो 10 का 10 में करेंगे कितना आएगा 100, 11 का 11 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 121। तो आपके जो असली CP और SP है वो यहाँ पर क्या है, CP आपका 100 हो गया और जो आपका SP है वो हो गया 121। अब बात आती है यहां पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो भाई CP के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। डिफरेंस कितना है, +21, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। परसेंटेज 100 के हिसाब से 21 कितना परसेंट होगा, 21%। यहां पर बहुत सिंपली आपने निकाले, क्योंकि 100 के हिसाब से तो, क्योंकि 100 के हिसाब से तो जितनी भी वैल्यू होगी वो उतना ही। जैसे अगर यहां पर होता 15, भाई 100 के हिसाब से 15 कितना होगा, 15%। तो यहाँ पर जो आपका आ रहा था कितना आ रहा था, 21 डिफरेंस, वो प्लस में। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ आपका जो हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, वो भी कितने परसेंट का, 21। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कुछ मत करना, आपसे जो मैं बोल रहा हूँ वही करेंगे। मतलब क्या आपको दिया क्या गया है, वो 11 पेंसिल, तो मतलब जो CP की क्वांटिटी वो ऊपर लिखी, SP का प्राइस क्या है 11 रुपए, तो यहाँ पर लिख दिया, प्लस CP की जो प्राइसिंग है कितनी 10 रुपए और जो SP की क्वांटिटी कितनी थी। तो यहां पर हमने कुछ नहीं किया, उल्टा कर दिया भाई। अब नीचे क्या होगा आपका, जो हम हमेशा करते हैं, आपका यहां पर आएगा क्या, CP, मतलब 10 into
10, ये SP बता रहा है आपको, ये CP बता रहा है, बस कुछ नहीं करा यहाँ पर, सॉरी ये डिफरेंस आएगा और यहाँ पर है ना इनके बीच का अंतर, तो ये क्या निकला आपका प्रॉफिट परसेंट, तो कितना आ गया आपका अगर देखोगे 121 माइनस 100 21 बटे 100 और मल्टीप्लाई करना परसेंटेज के लिए 100 का कर, तो आपका आंसर क्या हो गया 21%। तो इस वे से भी आप कर सकते हो, वही वे मैंने आपको समझाया कि आप वैल्यू पुट करके कैसे करोगे। तो देखो इस पर पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर समझाया था, नीचे भी आपको वैसे ही मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए है, यदि उसका विक्रय मूल्य 135 रुपए हो तो छूट प्रतिशत की गणना करें, मतलब जो बट्टा प्रतिशत भी बोलते हैं इसको, जो बट्टा मिला परसेंट में कितना मिला है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा अंकित मूल्य, जिसे आप कहते हो मार्क्ड प्राइस, वो आपको कितना दिया गया है 165 रुपए। उसके बाद में आपसे बात करूंगा जो आपको दिया गया एसपी सेलिंग प्राइस, कितना दिया गया है भाई आपको दिया गया है, सॉरी ये 162 दिया गया है और ये दिया गया आपको 135 रुपीज। तो अब बात की जा रही है आपको छूट कितने की मिली। तो भाई देखो यहाँ पर कितने की छूट दी आपको यहाँ पर उसने भाई, ये आपके लिए 100% का काम करेगा, क्योंकि जब भी आपको कभी भी बट्टे वाला क्वेश्चन आए, मतलब जब भी आपसे छूट की बात की जाए कि छूट किस पे मिलेगी या जो आपका परसेंटेज है आपको डिस्काउंट किस पे मिला है, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा आपको हमेशा मार्क्ड प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस तो उसके बाद बेचने वाला हो गया, तो भाई आपका 162 था, इससे कितना कम हुआ 27। तो आप क्या चेक करोगे 27 जो इनके बीच का डिफरेंस है वो 162 के हिसाब से कितना परसेंट होगा। तो भाई 100 का मल्टीप्लाई भी मैंने आपके लिए कर दिया है, वैसे जरूरत नहीं थी। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, 27 का 162 कैंसिल होगा तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। अब 100 बटे 100 मतलब यहाँ पर कितना गया 16 से 2/3%। मैं आपसे ये कहूंगा कई जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें याद रखें, मतलब भिन्न को परसेंटेज में, जैसे यहां पर अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई नहीं करता तो 1/6 बचता और 1/6 को मतलब वो भिन्न हो गया 1/6 को आप फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज में प्रतिशत में क्या लिखते हो 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। तो आपका आंसर है यहाँ पर आपने कितने के डिस्काउंट दिया है, जो डिस्काउंट परसेंट आपका आया वो आंसर में आया 16 से 2/3%। इसी तरह से करना जल्दी आंसर आएगा। देखिए अब मैं फिर से आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। यदि 110 आम बेचने पर एक विक्रेता को, मतलब जो भी सेल्समैन है वो 110 आम बेच रहा है, तो उस विक्रेता को 120 आम के आमों के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य प्राप्त हो, मतलब यहां पर अगर मैं पढूं आपका क्वेश्चन, 110 आपके क्या है जो आप सेल कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो आपको प्राइसिंग मिल रही है एग्जैक्टली वो कितनी मिल रही है फ्रेंड्स, यहां पर आपको 120 आम का जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर आपको मिल रहा है। कैसे देखते हैं यहां पर, जो मैं क्वेश्चन बोला यहां पर आपसे बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है, और यहां पर सीपी मैंने नीचे कर दिया, चलो क्वांटिटी जो आपको दी गई है फ्रेंड्स, कुछ ही नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक ही ट्रिक बताऊंगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एसपी की क्वांटिटी कितनी 110, ओके, यहां पर आपको जो, लेकिन जब आपको जो मिल रहा है ना, मतलब आप कमा कितना, जो धन मिल रहा है आपको, मूल्य मिल रहा है बेचने पर, वो किसके बराबर है 120 आम का जो क्रय मूल्य आएगा। माना फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन में आप कर सकते हो, लेट अस अज्यूम क्या कर रहे हो आप यहां पर, कि जो यहां पर 120 आम है, तो एक आम की आप क्रय मूल्य मान लो कि एक आम जो एक मैंगो है आपका वो कितने रुपए का है 1 रुपए का, ये क्रय मूल्य है, ये क्या आपने ये रेट दर होती है ना, दर डिसाइड की पर मैंगो आपको 1 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि प्राइस तो दिया नहीं है। तो 120 मैंगो आपको कितने में आपने, मतलब जो क्रय मूल्य वो कितना होगा 120 रुपए। तो ये जो 120 मैंगो का कॉस्ट प्राइस है, ये आपको 110 आम बेचने पे भी कितने मिल रहे हैं यहां पर 120 रुपए मिल रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं 120 रुपए मिल रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि यहां पर लाभ प्रतिशत कितना है, क्योंकि लाभ ही होगा उसको, कम आम बेचने पे ज्यादा प्राइस मिल रहा है ना। तो यहां पर अगर आप देखो तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आप सिमिलर वे में कुछ मत देखो, जो सीपी है, मतलब जो सीपी की क्वांटिटी है वो एसपी का प्राइस हो जाएगी, जो एसपी की क्वांटिटी है वो सीपी का प्राइस हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना। मतलब क्या बोला गया था, कितने आम वो बेच रहा है 110, तो
तो ये हो जाएगा आपका भाई बेच रहा है ना यहाँ सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी दी गई है तो वो काम किसका करेगी कॉस्ट प्राइस का, तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना हो जाएगा 110 रुपए मान लो, ठीक है यहाँ पर कितना हो गया 110 रुपए। एसपी कितना हो गया फिर भाई जो सीपी की क्वांटिटी बोली गई है वो एसपी की हो जाएगी 120 रुपए, ठीक है। यहाँ पर आपने क्वांटिटीज को क्या किया जस्ट उल्टा कर दिया, मतलब जो आपको सेलिंग प्राइस में क्वांटिटी दी गई थी वो सीपी मतलब क्रय मूल्य का अभी यहाँ पर क्या करिए क्वांटिटी का काम करे, और जो सेलिंग प्राइस में आपको क्वांटिटी दी गई थी विक्रय मूल्य में जो क्वांटिटी दी गई थी वो अभी काम करिए आपके क्रय मूल्य का। बस अब किसके रिस्पेक्ट में निकलता है भाई सीपी के, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना दोनों के बीच में 10 बटे 110 मल्टीप्लाई 100 का करना है तो करो, नहीं तो आपको फ्रैक्शन याद होता तो आंसर वैसे ही निकल आता, 0 से 0 कैंसिल हुआ आपका, यहां पर क्या आ गया आपका 9 सही 1/11%। होप आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं करा सिर्फ क्वांटिटी को आपस में क्या किया है चेंज कर दिया, सीपी की क्वांटिटी एसपी का प्राइस हो गई, एसपी की क्वांटिटी सीपी का प्राइस हो गई। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आई होप मुझे उम्मीद है आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगी, कहीं भी डाउट आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 0.03% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, अब ये परसेंटेज में दिया है भाई है ना, परसेंटेज में दिया है तो एक कंसेप्ट पढ़ा देता हूं आज, मैंने वैसे ही परसेंट की क्लास में पढ़ाया हुआ है लेकिन आज आप फिर से देख लीजिए। परसेंटेज से जब आप फ्रैक्शन पे जाते हो किससे परसेंटेज से, देखो जब परसेंटेज का साइन लाना है तो परसेंटेज का साइन होता कैसा, ये देखो यार परसेंटेज का साइन आपको दिख रहा है सॉ टाइप, हाँ दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है, देखो ये 1 और ये 2 डॉट आपको 0 0 की बात बताते हैं, तो परसेंट का साइन होता है सॉ टाइप, मान के चलो क्या दिखाता है आपको 100 नंबर। अब यदि आपको 100 हटाना है तो आप किसका डिवाइड करते हो भाई, परसेंटेज हटाना है तो आप किसका डिवाइड करोगे हमेशा 100 का, तो क्या मिलेगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई किसका होगा 100 का। तो यहां आपका क्या दिया हुआ है परसेंटेज, चेंज किस में करना है फ्रैक्शन, तो क्या करते हैं डिवाइड 100 का डिवाइड कर दो, और 0.03 तो वैसे ही था 100 का डिवाइड हुआ 0.0003 आपका आंसर हो गया, कि भाई ये फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो गया 0.0003। अब इसको आप चेंज करोगे डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, हो सकता है ऑप्शन में ये दिया हो या अब मुझे इसके जीरो हटाने हैं भाई कि हटाना है, हाँ चलो ठीक है हटा लेता, हो सकता है ऑप्शन में आपको यही दे दिया हो 0.03/100 या आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि 3, 1, 2, 3, 4 थी वैल्यूज, ठीक है किसी भी फॉर्म में दिया सकता है, ये आपको पहचानना है। और मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, मतलब मैं पॉइंट के बाद जितना आगे लाऊंगा उसको जितने कम अंक बचाऊंगा उतने नीचे जीरो मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, ठीक है। तो यहां मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक आदमी एक पुल को, तो ये पुल बना दिया हमने, ठीक है। अब आदमी आपका देख लेते हैं भाई, आदमी ये रहा आपका, ठीक है ये आपका आदमी है, ये क्या कर रहा है एक पुल को किस रफ्तार से, इसकी रफ्तार है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है एक पुल को कितनी देर में पार कर रहा है, जो टोटल टाइम ये ले रहा है यहां पर वो आपका है 5 मिनट्स, ठीक है। आपसे पूछा गया है ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, ये सिंपल आपसे पूछा गया है यहां पर, तो कुछ नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूं बस उसे करो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा भाई। पहले तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको यहां पर स्पीड दी गई है, हाँ स्पीड तो दी गई है कितनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये भाई आदमी की लेंथ तो काउंट होगी नहीं क्योंकि वो नेग्लेजिबल है, उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, बहुत छोटी होती है लेंथ। आप लेंथ किसकी काउंट करोगे, सिर्फ एल मतलब ब्रिज की जो पुल की, तो एल मान लिया उसे। टाइम दिया गया है आपको 5 मिनट, ठीक है कितना दिया गया है 5 मिनट। कुछ नहीं करो पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटे को भी सेकंड में चेंज कर लो और 5 मिनट को भी किसमें करो प्रति सेकंड में, आपका मिनट मिनट से किसमें चेंज कर लो सेकंड में चेंज कर लो। अब किलोमीटर यहां मैं लिख दे रहा हूं, किलोमीटर प्रति घंटे से जब भी आप चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, ये किसके लिए भाई स्पीड के लिए, ओके
ये किसके लिए है? स्पीड के लिए। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे से चेंज करते हो मीटर पर सेकेंड में, तो आपको क्या करना होगा वो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। बड़ी यूनिट से आप किसमें जा रहे हो? छोटी यूनिट में, है ना। आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? छोटी में। तो आप किसका मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 का। जबकि जब मीटर पर सेकंड से आप आओगे किसमें? किलोमीटर पर आर में। बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए आप वैल्यू कौन सी रहेगी? ऊपर बड़ी। तो अभी आप क्या कर रहे हो? किलोमीटर प्रति सेकंड से किसमें जा रहे हो? सॉरी, किलोमीटर पर आर से किसमें जा रहे हो? मीटर पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई किसका होगा? 5/18 का। 5 मिनट को भी कर लो भाई सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 5 मिनट में 60 × 5 मतलब 300। और आपकी लेंथ यहां पर है। अब लेंथ किस में निकलेगी भाई? ऑब्वियसली मीटर में निकलती, इसलिए मैंने आपको यहां पर चेंज करने के लिए बोला। ओके चले, अब यहां पर हम चेंज कर लेते हैं। 3 से कैंसिल होगा, ऊपर 5 आएगा आपका, नीचे क्या आ गया यहां पर? 6। और फिर यहां पर कैंसिल किया तो ये कितना हो गया आपका? 50। 50 का जब आपने मल्टीप्लाई किया यहां पर, किस में करोगे आप मल्टीप्लाई? यहां पर मल्टीप्लाई करोगे आप 25 में, ठीक है। 50 का जब हमने यहां पर 25 में मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आएगा फ्रेंड्स? 1250 मीटर लेंथ, मतलब 1.25 किलोमीटर आपका आंसर है यहाँ पर, या फिर आप उसको पढ़ सकते हो 1250 मीटर। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये मैंने क्या किया है यहाँ पर। सिंपल से फॉर्मेट में हमने सॉल्व किया था। एक्चुअली मैंने मीटर में इसलिए निकाला है, 99.99% आपका आंसर जब भी आपको ट्रेन की लेंथ या पुल की लेंथ पूछी जाएगी आपका मीटर में रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मीटर में निकालने का ट्राई करो। किलोमीटर में तो 1000 का सिर्फ आपको डिवाइड करना रहेगा, इसलिए बेसिकली मैंने यहाँ पर आंसर निकाला 1250 मीटर। तो आप ट्राई करो कि आपकी लेंथ जब निकालनी आप मीटर में ही कैलकुलेट करो, क्योंकि आंसर आपका मीटर में ही डिपेंड करता है। चलिए, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे आज शेयर किए हैं मैंने डीप में समझाया है, एक एक पॉइंट पे जा रहा हूँ कि आपका बेसिक भी क्लियर होते रहे। कहीं डाउट है आप पूछ सकते हो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे वीडियोस को शेयर करिए। आखिरी में जाते जाते मैं बस ये बोलना चाहूंगा, जिनने स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इसे शेयर करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the video.